स्वामी विवेकानंद एक डॉक्टर का बहुत सम्मान करते थे। वह उनसे कहते थे कि आप मन, वचन, कर्म और आचरण से सन्यासी हैं। मुझे आपके भीतर बड़े सद्गुणों के दर्शन होते हैं। डॉक्टर साहब बेहद साधारण तरीके से रहते थे। उन्हें देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा पाता था कि वह कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं। एक दिन वह पैदल अपने दवाखाने जा रहे थे। बारिश होने वाली थी। एक आदमी को अपनी छत ठीक करनी थी। मदद के लिए उसने एक मजदूर को बुलाया था और दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उधर से जा रहे डॉक्टर साहब को सामान्य व्यक्ति समझ उनसे बोला कि छत ठीक करने में आप मेरी मदद कर दें। मजदूर को बुलाया था, वह आया नहीं। मैं आपको पारिश्रमिक दे दूंगा। डॉक्टर उस आदमी के कहे अनुसार छत ठीक कराने में लग गए। उसी सड़क से वहां के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति गुजर रहे थे। डॉक्टर साहब को यह सब करते हुए देख वह बोले, यह आप क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, आज मुझे रोगियों के इलाज बदले यह काम ज्यादा ठीक लगा। इस सज्जन ने मुझसे सहायता मांगी, सो मैं मदद कर रहा हूं। जब यह बात झोपड़ी वाले उस व्यक्ति ने सुनी तो वह पानी पानी हो गया। वह उनके पैर पकड़कर बोला, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं और मेरे एक मित्र विवेकानंद मानते हैं कि धर्म को किताबों से निकालकर आचरण में ढालना होगा। आपने तो मुझे अपने धर्म को आचरण में ढालने का सुअवसर दिया। मुझे आज बहुत बड़ा लाभ हुआ। यह थे बंगाल के प्रख्यात डॉक्टर नाग। बाद में विवेकानंद ने उनकी यह कहानी सुनाई और संदेश दिया कि हम लोगों के जीवन में जो सबसे खराब ग्रह है वह है अहंकार, और अहंकार सिर्फ सेवा से ही मिट सकता है।